अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो चलिए शाम का वक्त है और हम अपने कबूतरों को अब बाहर निकालते हैं, दाना उना खिलाने का वक्त हो गया है। तो ये दरवाज़ा हमने खोल दिया, ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, कबूतर जो है आ रहे हैं और ये पानी रखा हुआ है। अब की बार जो है इतनी गर्मी पड़ रही है कि समझ लीजिए कि ये दिन भर में दो बार रखना पड़ता है। एक बार रखने पे पूरा ख़त्म हो जाता है, फिर अब देखिए इतना बचा है, पानी पूरा भर के रखा गया था। यहाँ पे हम इसमें ईट उट लगा देते हैं ताकि जो है इसमें बीट उट ना करे। देख रहे हैं पानी बिल्कुल साफ़ है, और पानी साफ रहेगा तो कबूतर आपके बीमार नहीं पड़ेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, कबूतर बाहर निकल रहे हैं। इसमें भी पानी नहीं है, पानी हमने पूरा हटा दिया है, ठीक है दोस्तों। कबूतर बाहर निकल रहे हैं, तो अब जो है दाना अभी हम नहीं लाए हैं, कबूतरों को बाहर निकल जाने दीजिए और उसमें हम पानी डालेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको हम बंद कर देते हैं और ये देखिए दोस्तों, अब ताज़े पानी जो है इसमें हम डाल देंगे। और दोस्तों कल जो है कबूतरों को नहलाया था, कबूतर जो है पानी पे छोटे वाले नाद में ही नहा रहे थे, तो हमने जो है फिर से इनको बड़ा वाला गमले में पानी डाल के नहवाया था। तो देख रहे हैं कबूतर बाहर निकल गया। अब जो है हम अनाज लाते हैं, और हरी जो बीमार थी वो अभी अंदर ही है, ठीक है दोस्तों। सुबह में हमने देखा बहुत ही बेहतर कंडीशन में हो गई है पहले से, और एक कबूतर जो है थोड़ी सी आँख की भी बीमारी आ रही है कबूतरों में, जो बच्चे हैं उनमें आ रही है, ठीक है दोस्तों। तो उसका भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कल दवा डाले थे उसको, खिलाए थे जो दवा हम खिलाते हैं, और आँख में एक ड्रॉप है वो भी डाल रहे हैं। तो रिजल्ट जैसा उसका आएगा हम आपको दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, ये हर्री जो है, ये हर्री जो है यहाँ पे आपको देख रहे हैं, ये नाद पे आ गई है, और देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही पहले से बेहतर हालात हो गए हैं इसके। ये देखिए दोस्तों, देख रहे हैं आप। तो जो दवा हमने आपको बताया है बहुत ही कारगर दवा है। चलिए अब दाना लाते हैं नीचे से, इन लोगों को डाल देते हैं कबूतरों को खाने के लिए दाना, तो खाएंगे अपना। और जो बच्चे देखिए वहाँ पे बेबी पिछन दो निकले हुए हैं जो हमने आपको दिखाया था, देख रहे हैं आप, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह बच्चे निकले हैं। तो दोस्तों ये देखिए, इसमें हमने जो है दाना जो है इसमें फुलाया था, और ये फुलाने के बाद जो है इसे हम एक और दो पानी से इसे हम धो देते हैं, ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये गंदा पानी आ रहा है ना, तो इसको हम जो है गिरा देंगे, फिर से जो है इसको एक बार और धोएंगे एक पानी से, ठीक है दोस्तों, साफ पानी आ जाए। और देख रहे हैं आप, इसमें गेहूँ है और इसमें चने भी हैं कुछ, ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये साफ़ हो गया है। अब जो है हम इसको कबूतरों को देंगे। तो दाना हम ऐसे ही ज़्यादातर देते हैं, गर्मी का मौसम है इसलिए जो है ये और ज़रूरी हो गया है, गेहूं को फुलाकर, चने को फुलाकर, ठीक है दोस्तों। और ये देखिए, ये भी आ गया दाने के चक्कर में, तो ये रहेगा तो कबूतर खाएंगे नहीं। तो इसको पहले करते हैं हम नीचे, चलिए। और ये देखिए, इसको हम नीचे कर देते हैं, जा भाई। और इसको हम करते हैं बंद। देखिए हरी माशाल्लाह ये बैठी है, और ये देखिए दोस्तों, हमने असल में कि आपको दिखाया था एक बार कि जो है आपका कबूतर का आँख से पानी आ रहा था, तो हमने जो दवा बताया था वो बहुत ही कारगर दवा है, लेकिन सूजन जो है कबूतर के बच्चे की आँख में जो है सूजन हो गई है, तो वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक और अलग से आई ड्रॉप लाए हैं, तो वो अब डाल रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम ऐसे ही नहीं आपको दिखाते हैं, पहले नहीं दिखाते हैं आपको, क्योंकि जो है जब हमारे कबूतरों पे जो है अगर फ़ायदा कर देता है, जो दवा सूट करता है, उसी दवा को हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारी कबूतरी उड़ गई, ठीक है दोस्तों, और बाकी कबूतर हैं इस पर ऊपर, ठीक है दोस्तों। कुछ दाना खा रहे हैं, तो देख रहे हैं आप, जैसा कि सारा हमने दाना डाल दिया है, ठीक है। तो ये अब जिसका मन करेगा खाएगा, जिसका मन करेगा वो थोड़ा मस्ती कर लेगा, ठीक है। और ये अभी जो है अभी पूरी तरीके से खाई नहीं है, ये जो हमारी दो बाज कबूतरी है, हमने इसका शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, आपने देखा होगा, ठीक है दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत लगती है, और इसको हम जेठ में नहीं उड़ाए थे, ठीक है दोस्तों। गर्मी अब जो है बहुत ज़्यादा पड़ी, इस वजह से हम कबूतरों को अब नहीं उड़ा रहे हैं। तो बस यहीं पर हम वीडियो को अब बंद करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये हमारा ब्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पे, तब तक आप अपना ख्याल रखें।